हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने हमारे चैनल पे। तो एग्जैक्ट 12 सितंबर को, ठीक है, नोटिफिकेशन आया था बेल एग्ज़ाम का और 1 महीना आज कंप्लीट हो गया है। और धीरे धीरे हमने एक सपना देखा कि टॉप 50% में आना है, जितने वैकेंसी आपके ब्रांच में हो उसमें। फिर धीरे धीरे फेज़ 1, फेज़ 2, और आज जो है हम है फेज़ 3 में। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि आपके साथ 1 महीना पहले बहुत सारे स्टूडेंट थे, लेकिन डेफिनेटली उसमें से आज जो है कुछ स्टूडेंट कम हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो स्टूडेंट बचे हैं तो वो है टफ कॉम्पिटिटर, उनको अच्छे से कॉम्पीट करना है अपने को। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जितना भी रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए, वो सभी चीज़ें करने होगी जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, राइट। तो सबका स्वागत है अगेन। और लास्ट के जस्ट अभी 15 दिन बाकी है, 17-18 दिन बाकी है, ओके। क्योंकि हमने एग्जाम डेट आपका 31 अक्टूबर पकड़ा है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि लास्ट अभी आपके 15 डेज है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भले ही आपने 1 मंथ में कितना भी किया है, ठीक है, मतलब 60% 70% आपका दिया आपका खुद का, लेकिन अभी ये है कि ये 15 डेज में आपको खुद का 100% देना है। मतलब जितना आप प्रिपरेशन में फोकस करें, जितना आप बेल में घुस जाए पूरा, उतना आपके चांसेस जो है सिलेक्शन के। और मैं अगर कहूँ एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए, अच्छे से क्रैक करने का मीनिंग क्या है कि टू गेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ दो 75%, इसको बोलते हैं अच्छे से क्रैक करना। नहीं तो फिर ऐसे ही टाइम पास क्रैक तो कोई भी करते हैं, राइट। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने को अपना जो टारगेट है वो है टॉप 50%। तो उसके लिए फर्स्ट है एग्जाम, उसके लिए अच्छे से करना पड़ेगा, और बाद में एंट्री होगा, वो आराम से देख लेंगे बाद में, राइट। तो अभी क्या करना है क्या नहीं, इसके साथ साथ फेज 3 में जो अपना पेंडिंग वर्क है वो क्या रहेगा, तो इसका सभी के चीज बारे में डिस्कशन हम करने वाले इस वीडियो में, ठीक है। तो मेन जो अपना वीडियो स्टार्ट होने से पहले जस्ट फ्यू गाइडलाइंस में देना चाहता हूँ कि अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि एक तो फोकस जो है आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप अभी अननेसेसरी सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहे होंगे और कुछ भी अगर कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि वो आप 0 पे लेके आओ, ओके। अगर 0 पे पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा मतलब चलता है, ओके, 5-10 मिनट्स। बट बहुत इंपॉर्टेंट क्या है अभी कि फोकस जो है पूरा रखना है। यूट्यूब इंस्टाग्राम इससे कुछ नहीं होने वाला, जस्ट टाइम पास होने वाला है, ठीक है। अगर फिर से आप वही टॉप 20 टॉप 30 क्वेश्चन देख रहे हो, इससे भी कुछ भी नहीं होने वाला, सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला। सबसे ज़्यादा आपका टाइम जो है अभी आपको इन्वेस्ट करना है आपके सेल्फ स्टडी में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। विदाउट सेल्फ स्टडी आपका सिलेक्शन कोई भी दिलवा नहीं सकता, चाहे वो टॉप 1000 क्वेश्चन भी दे आपको या टॉप 5000 क्वेश्चन भी दे, ठीक है। ये समझना है मेन चीज़। सेकेंड जो है रिविजन प्लस सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। इस पर आपका पूरा अभी दिन जो है पूरा रूटीन इसमें आपका जाना चाहिए। ऑलरेडी बेल ने अपने को कम दिन दिए हैं, और जितना भी पॉसिबल बेस्ट वे से हो सकता है मैंने आपको ट्राई किया है, ठीक है। और अपना सक्सेस पैक भी आ गया है, तो बाकी आप स्टूडेंट देख सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सक्सेस पैक का, तो उसको भी मतलब आपने यूज़ करना है। और सभी चीज़ों का जो यूज़ है अच्छे से अभी करना है इन 15 डेज में, वही इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट थिंग जो है कि अभी आपको लग रहा होगा कि ओके सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, थोड़ा डीमोटिवेशन लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये 15 डेज में आपको क्या क्या थॉट्स आएंगे, आप किस किस फीलिंग से गुजरोगे, ये सब चीज़ें मुझे जानता हूँ, ठीक है। लेकिन यही फीलिंग को दूर करने के लिए जस्ट मतलब एकदम पीछे जाता नहीं मैं, अभी जस्ट रिसेंटली अपना एग्जाम हुआ है BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसका 2022 का भी कन्फर्मेशन हो गया है, नोटिफिकेशन का 29 को आएगा, वीडियो भी आएगा, ठीक है। तो मेन क्या है अभी कि आपको लास्ट सेकेंड तक किधर किसके लास्ट सेकेंड, मतलब आपको जो इंटरव्यू होने वाला है उसके लास्ट सेकेंड तक आपको हार नहीं माननी है। फर्स्ट डेफिनेटली आपका एग्जाम है, आप बोलोगे सर एग्जाम तो होने जाएगा लेकिन एग्जाम के लास्ट सेकेंड तक तो हार बिल्कुल नहीं माननी। और एग्जाम के बाद, ओके, मैं होप करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अपना गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट, आप सबका इंटरव्यू कॉल आ जाए, तो इंटरव्यू में भी हार नहीं माननी है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि BDL में क्या हुआ, बेसिकली भारत डायनेमिक्स में रिजल्ट आया, ठीक है। तो अपने कुछ स्टूडेंट सक्सेस पैक के सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन फिर क्या हुआ, सेकेंड लिस्ट आया, ओके okay? और सेकेंड स्टेज लेग लिस्ट में अगेन 2 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुए, फर्स्ट लिस्ट में भी हुए थे, अगेन सेकेंड में, जिनका नहीं हुआ था लेकिन जिन्होंने मतलब बहुत मेहनत की थी, ओके, उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो की, जो मैं सक्सेस पैक में दे रहा हूँ अच्छे से हमने मेहनत की थी। तो डेफिनेटली रिजल्ट के बाद थोड़ा मुझे बुरा लगा कि इनका होना चाहिए था, क्योंकि किसी किसी मार्क तो 130 भी थे, 133 आउट ऑफ 150 बोल रहा हूँ मैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ सुनो, सेकेंड लिस्ट आया, 2 जन का सिलेक्शन हो गया, पूरे खुश पब्लिक, ठीक है, मैं भी बहुत खुश हुआ। लेकिन थर्ड लिस्ट आया, और थर्ड लिस्ट में भी अगेन 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया। और ऐसे में अगर इसको मैं एक समराइज करूं, तो आप जो है अपने साइड से 100% दो, आपका सिलेक्शन जो है वो आपका सीट है ना, वो कोई ले नहीं सकता। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने डेडिकेटेडली सिंसियरली काम किया है कि नहीं, प्रिपरेशन किया है कि नहीं, मेहनत की है कि नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आखिर तक हार नहीं माननी है, जब तक जो है पूरा रिक्रूटमेंट होने के बाद फर्स्ट रिजल्ट सेकंड, ओके, आपका वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होता है पब्लिक का, तो तब तक हार नहीं माननी,
ओके हम मतलब सोचने वो वेटिंग लिस्ट का सोचना नहीं है इतना, लेकिन फिर भी बोल रहे हो हमें कि लाइफ में ये, और खासकर ये जो है आपका रूल है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नहीं तो लाइफ के लिए भी ये याद रखो हमेशा कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है, पूरा प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट करो, 100% दो अपना, ठीक है। इसलिए ये जो लास्ट 15 डेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा भी इसमें रह जाता है तो लाइफ टाइम ये रिग्रेट रहेगा। और 2023 में अभी ये 15 डेज डिसाइड करेंगे कि आपका 2023 अच्छा जाएगा बेल का ज्वाइनिंग लेके या बुरा जाएगा बेल में रिजेक्शन लेके, ओके ये डिसाइड करेंगे ये 15 डेज। तो इसलिए पूरा प्रॉपरली अच्छे से फोकस करो, और खासकर जिनका एज लिमिट 25, 26, 27 है, मतलब जो भी एलिजिबल थे लास्ट में, तो उनको तो मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा, आपके लिए सिचुएशन है डू और डाई, ठीक है। ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, तो ऐसा सोच के ही प्रिपरेशन अच्छे से करो, पूरा फोकस के साथ करो, राइट। ओके तो आई होप आप टेलीग्राम PDF जो है फ्री मास्टर प्लान टेस्ट है रेगुलर दे रहे होंगे, वो भूलो मत, कंपलसरी है, और टॉप 50% टारगेट ही अपने माइंड में रखना है। ओके हम आते हैं अभी फेज 3 स्ट्रैटेजी पे। तो बेसिकली अभी फेज 3 तो जो भी अभी पेंडिंग है अपने सब्जेक्ट्स और टॉपिक, ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगा। अभी मेन क्या है आप बोलोगे, सिलेबस कितना कंप्लीट करना है, और मतलब ऑब्वियसली बहुत सारा सिलेबस है और टाइम कम था न्यू स्टूडेंट के लिए, खासकर जो रिपीटर्स है वो तो मतलब रिविजन पे लगे हैं तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न्यू स्टूडेंट को मुझे पता है चैलेंजिंग है। लेकिन इसमें भी थोड़े मोए हैक्स देने वाला हूँ आपको, ठीक है, जो आपको काम आएंगे एग्जाम में अच्छे से मार्क्स स्कोर करने के लिए, और फिर इंटरव्यू में आप एक्सेल कर सकते हो, ठीक है, वैसे हम करने वाले हैं। तो फेज 3 में अभी आपको याद रखना है, इसका जो पीरियड है वगैरह वो अभी कुछ नहीं, ठीक है, जस्ट अभी जितना भी आपको टाइम मिला है। मेन डेडलाइन क्या है कि एटलीस्ट आपको ट्राई करना है, जो भी अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 22 और मैक्स 25, 22 अक्टूबर और मैक्स 25 अक्टूबर तक आपको कंप्लीट करना है, और ट्राई करना है कि आप न्यू टॉपिक करो। ओके आई होप समझे आपको कि न्यू टॉपिक कब तक करना है, डेडलाइन 22 अक्टूबर और 25 अक्टूबर, उसके बाद जो है न्यू टॉपिक को टच बिल्कुल भी नहीं करना है, जो हमने किया है जो हमने जमा किया है उसको ही अगेन रिवाइज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल आपका रूटीन है वो सेम चलने चाहिए और वैसे ही चलेगा 22 25 तक, क्या रिविजन प्लस टेलीग्राम PDF प्लस अभी टेलीग्राम PDF और फ्री मास्टर प्लान में इसमें डाल देता हूँ रिविजन में, तो समराइज करके रिविजन प्लस योर सब्जेक्ट कंप्लीशन, और फिर बाद में 22nd और 25th के बाद, मैक्सिमम 25th के बाद आपका सेट चलेगा रिविजन ओनली। ओके तो ये आपको याद रखना है। ओके मेन चीज़ है कि अभी पूरे जो अपडेट्स आएंगे तो उस पर फोकस मत दो, अभी नोटिफिकेशन आते रहेंगे, अभी 10 लाख वैकेंसी आने वाला है तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आराम से आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, फॉर्म कोई जल्दी खत्म नहीं होता, सभी अपडेट जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, नहीं तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है उधर भी आपको मिल जाएंगे। मेन क्या है, जितना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो उतना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि एक वैकेंसी आया तो आपको लगेगा माइंड कैसे काम करता है, सोचो अभी CGL में वैकेंसी आया 20,000 तो आपको लगेगा ओके BEL में तो फिर 20 वैकेंसीज है, तो जाते हैं CGL की तरफ, लेकिन CGL में उतने टाइम से स्टूडेंट अभी रहे होंगे, राइट, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको समझनी है। इधर आपके ब्रांच की पब्लिक के साथ आपका कंपटीशन है, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, सिविल तो सिविल, उधर पूरा पब्लिक होगा, राइट, तो ये माइंड सोचना नहीं, वो वैकेंसी की तरफ ध्यान नहीं देना है, बाकी पब्लिक तो यूट्यूब में वीडियो बनाते रहेंगे, जैसे वैकेंसी बढ़ेंगे यूट्यूब पर वीडियोज़ भी बढ़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनको व्यूज़ मिलेंगे उससे, राइट, वो इम्पॉर्टेंट है। मेरे तरह एक दो वैकेंसी पर कोई वीडियो नहीं बनाता, ओके बहुत रेयर लोग होंगे जो बनाते होंगे, लेकिन मेन क्या है कि जो आपको अभी अपडेट्स होगा, बेल का अपडेट आएगा, एडमिट कार्ड का, एग्जाम डेट का, सभी अपडेट जो है मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, और वीडियोस भी होंगे डेफिनेटली, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो, मतलब टेलीग्राम पे जैसे आपको लिंक मिलेगा वीडियो ओपन करो देखो खत्म, फिर पढ़े पे लग जाओ, ठीक है, पूरा फोकस करता अच्छे से पढ़े करना है आपको। ओके तो अगेन वीडियो का स्टाइल अपना सेम रहेगा, फर्स्ट में नॉन टेक्निकल डिस्कस करूंगा जो सभी ब्रांचेस के लिए है, और फिर टेक्निकल में हम जाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नॉन टेक्निकल से। ओके तो अभी एप्टीट्यूड जो है, ठीक है, लगभग हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, लेकिन थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा करने के लिए एवरेज आपको करना है। ओके प्रॉफिट लॉस SICI के क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसके साथ साथ टाइम एंड वर्क रहेगा, ओके टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स है, पूरा फुल फ्लेज आपको एप्टीट्यूड करना नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी एक हाथ दूसरा क्वेश्चन अगर आया तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए, ये मेरी उम्मीद है, ठीक है। इसलिए अगर जमता है तो प्रॉफिट लॉस SICI टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस एटलीस्ट ये 4 चैप्टर आप करो, ठीक है। अगेन सेम आपका रहेगा, कोई बुक आप यूज़ कर सकते हो, टेलीग्राम PDF आपका रहेगा वही कंपलसरी, ठीक है। क्यू बॉक्स, जिनका क्यू बॉक्स अभी सक्सेस पैक आ गया है तो क्यू बॉक्स आपको मिला है, तो क्यू बॉक्स का यूज़ कैसे करना है उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, सक्सेस पैक में डाला है मेंटर टॉक फोल्डर में, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। और बाकी फ्री मास्टर प्लान आपका चल रहा है उससे भी आपका रिविजन होता रहेगा, तो मेन क्या है कि प्रैक्टिस ऐसे ही आपका होता रहेगा, राइट। बाद में रीजनिंग में अभी हम लेने वाले हैं एनालिटिकल पार्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका वर्बल हो गया है, नॉन वर्बल हो गया है, और जो भी मिससेलेनियस टॉपिक रहेंगे तो वो हम सक्सेस पैक के मॉक टेस्ट से, फ्री मास्टर प्लान टेस्ट से, टेलीग्राम PDF से हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, मिससेलेनियस जो होते हैं क्वेश्चन वो। एनालिटिकल में स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ये अभी 4 चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट वो अपने को देखने हैं, राइट।
और बाकी जो अपना प्रैक्टिस है रीजनिंग का वो सेम आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस का आपको क्या यूज़ करना है, टेलीग्राम पीडीएफ अपना यूज़ करना है और बस इतना आपको यूज़ करना है, हो गया। रिपीटर के लिए भी सेम है अगेन कि पहले मेक श्योर करो कि आपको सब आता है कि नहीं। अगर आता है तो डायरेक्टली क्यू बॉक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। टेलीग्राम पीडीएफ प्रैक्टिस करो एंड फ्री मास्टर प्लान के टेस्ट जो है वो हमेशा डेली देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको अभी जो नए मतलब देखेंगे वीडियो को तो कमेंट सेक्शन में जाओ, सभी चीज़ें उधर आपको मिल जाएगी, ठीक है। जल्दी से एक्शन लो ताकि आपको कुछ मिले रिजल्ट, ओके। तो ये तो हो गया रीजनिंग का, ओके। नेक्स्ट जो है अभी इंग्लिश, तो इंग्लिश का हम करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या है, कुछ अभी एक्स्ट्रा लगता नहीं, जस्ट प्रैक्टिस लगता है। और प्रैक्टिस आप डायरेक्टली अपना जो सक्सेस पैक के मॉक टेस्ट है उसे कर सकते हो, ठीक है। फ्री मास्टर प्लान के टेस्ट है उसे कर सकते हो। क्यू बॉक्स में भी आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओके। तो उससे भी आप कर सकते हो। एंड जो इंग्लिश का ई बुक मैंने दिया है सक्सेस पैक में, उससे करना ही कंपलसरी, वो तो मैंडेटरी है, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं और थोड़ी टिप्स भी दी है, ट्रिक्स भी दिया है कि कंप्रेहेंशन मतलब कैसे हैंडल करना है। कुछ कुछ जगह अगर पैसेज का कुछ पर्टिकुलर टाइप हुआ तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो जो टिप्स और ट्रिक्स है कंप्रेहेंशन की वो आपको हेल्प करेगी इंग्लिश ई बुक में, राइट। ओके, अभी जो अपना स्ट्रैटेजी था कि इंग्लिश के लिए, जैसे आपने भूला नहीं होगा शायद से, 5 चैप्टर, ठीक है। कौन से? सिनोनिम, एंटोनिम, देन इडियम्स, ओके, फ्रेजेस भी पकड़ लो इसमें, देन स्पेल चेक। तो ये जो चैप्टर्स है ये आपको किसमें कैसे करना है, क्यू बॉक्स एंड टेलीग्राम पीडीएफ, ठीक है। ये दोनों का यूज़ करना है आपको, और ये जो टॉपिक है इसको सेम करते रहना है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। अभी आप पूछोगे सर फिर इसका रिवीजन कैसे करें, तो सी रिवीजन के लिए क्या कर सकते हो, अभी आपने जितने भी टेलीग्राम पीडीएफ यूज़ किए हैं वो अगेन देख सकते हो, ठीक है। क्यू बॉक्स आपने यूज़ किया है, क्यू बॉक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो अब वो अगेन आप देख सकते हो कब, आफ्टर 25, जब रिवीजन करोगे, ओके। अभी फिलहाल रिवीजन का टेंशन मत लो, जितना वर्ड्स आप कर सकते हो उतना करते रहो और आराम से वो हो सकता है, राइट। तो ये रहेगा इंग्लिश के लिए, ओके। तो 100 मार्क्स का डिस्कशन हो गया, अभी आते हैं 20 मार्क्स पे नॉन टेक्निकल के, और फिर अपना 120 कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो नए स्टूडेंट है तो जो गाइडलाइंस मैंने पहले भी दी थी आपको फेज़ वन और फेज़ टू में, ठीक है, वो सेम रहेगी। अगर आपको लगता है कि आप हैंडल कर सकते हो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप करो, नहीं तो पूरा का पूरा आप क्या कर सकते हो, स्किप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी हम छोड़ सकते हैं, राइट। और इसका अल्टरनेटिव मैंने क्या दिया है, अगर गिल्ट आता है मन में छोड़ रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ लगता है, तो जस्ट अपने क्यू बॉक्स के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, टेलीग्राम के जो पीडीएफ है 10 एक बार 10 क्वेश्चन आते हैं रेगुलरली, देखते हो, आई होप आप देखते रहे होंगे, ठीक है। एक महीने में अगर आप जिन्होंने भी टेलीग्राम पीडीएफ सॉल्व किया है, ठीक है, ऑब्जर्व करो खुद का चेंज, मतलब जो कॉन्फिडेंस आपका होगा, ओके, खुद को कंपेयर करो उस एक मंथ वाले से, मतलब जब आपने 12 सितंबर को मैंने डाला था वीडियो, तब से अगर आप टेलीग्राम पीडीएफ स्टार्ट किया है तो सोचो कि तब आप किस लेवल पे थे और आज आप किधर हो, डेफिनेटली आगे रहोगे, राइट। तो यही होता है, ये जो सेक्शन है जीके का ये ऐसे ही स्लोली स्लोली बढ़ता है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, जस्ट करते रहना है। मेन क्या है, फ्री मास्टर प्लान के भी अभी जस्ट मैंने कल ही 40 क्वेश्चन दिए थे टोटल करंट अफेयर के, राइट। तो आई होप आपने सॉल्व किए होंगे, अगर मिस किए हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको आने वाली है, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बहुत। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम करने वाले हैं। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जो आप चाहकर भी स्किप नहीं कर सकते, और वो है अपना स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, राइट। तो अभी तक 2-2 मंथ से हमने स्टार्ट किया था, और अभी ये जो फेज 3 है इसमें आप करने वाले हो सितंबर एंड अक्टूबर मंथ, ठीक है, सितंबर एंड अक्टूबर मंथ करने वाले हो, बाकी आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैगजीन बॉक्स दिया है, सुपर पावरफुल टूल है, उसमें से आपको करना है, बाकी किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सी टेलीग्राम पीडीएफ, मैगजीन बॉक्स, अपना सक्सेस पैक मॉक टेस्ट एंड लास्ट में क्यू बॉक्स, इसका जो चारों का डेली कॉम्बिनेशन है, तो इससे आप कोई भी एग्जाम आराम से निकाल सकते हो, और इसलिए अपने सिलेक्शन इतने हुए हैं, ओके। ऐसे ही हवे में सिलेक्शन होते नहीं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो मेन क्या है कि फोकस के साथ आपको पता होना चाहिए किसको क्या यूज़ करना है, राइट। अभी फाइल सिस्टम दिया है मैगजीन्स बॉक्स में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट डेज है, तो क्विकली देख लो एक बार सितंबर अक्टूबर का इंपॉर्टेंट डेज क्या है और जनवरी से, ठीक है। हाँ, अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने बोला था आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर देखने हैं, लेकिन अगर पॉसिबल है आपको, ठीक है, अगेन मार्क माई वर्ड कि पॉसिबल अगर है, तो फिर आप जैन, फेब, मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर देख सकते हो, ठीक है। अभी इसमें एक सेपरेट वीडियो में जल्दी डालूंगा सक्सेस पैक में कि करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल करना है इन लास्ट 15 डेज में, राइट। तो वो आएगा वीडियो उस पर सक्सेस पैक में, लेकिन अभी फिलहाल जो है कैसे करेंगे, अभी से इंपॉर्टेंट डेट जो है तो वो एक देख सकते हो आप, ठीक है। नेशनल न्यूज़ जो भी आपके मैगजीन बॉक्स में डाले हैं वो आप क्विकली देख सकते हो। तो फाइल वाइज सिस्टम उसी के लिए दिया है ताकि आप क्विकली चीज़ों को देखो और चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है। ऐसे ही मतलब आपको 200 पेज का मैगजीन दे दिया और फिर उसमें से आप ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे हो, वैसे चीज़ नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है सब, ठीक है। और सभी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ एक फाइनल वीडियो में जो रहेगा आपका करंट अफेयर का सक्सेस पैक में, तो उसमें आपको गाइडलाइंस मिलेगी, ओके। तो ये आप कर सकते हो, एंड डेफिनेटली जो
रिपीटर से, उनके लिए भी सेम रहेगा, वो कुछ अलग नहीं है इसका, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया नॉन टेक्निकल सेक्शन जिसका आप प्रिपरेशन करोगे लास्ट 15 डेज में। अभी आता है अपना टेक्निकल, तो अगेन टेक्निकल के लिए सेम, नीचे आपको टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा, आप जिस भी ब्रांच से हो उधर आपको देखना है, मैकेनिकल लिखा है तो मैकेनिकल का वाला है तो मैकेनिकल वाले पे जाएगा, सिविल अगर आपका ब्रांच है तो आपको क्या करना है, सिविल में जाना है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल वाले में, और बाकी जो ब्रांचेस है अपने ब्रांच में जाओ। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, तो 20 वैकेंसीज आपको है, ओके, एक गुड नंबर है अगर मैं जितने भी PSU से कंपेयर करूँ, चाहे BDL हो गया, ओके, NILET हो गया, या STA हो गया, MIT हो गया, तो मतलब बहुत सारे आपके HPCL अभी करंटली है, HPCL के साथ आप देने वाले एग्ज़ाम, मुझे पता है कि HPCL और BEL का कंबाइनली बहुत सारे जन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वैकेंसी तो बहुत अच्छा है, राइट, 20 वैकेंसीज, और अभी मतलब IMD का भी आया है सुपर वैकेंसी, उसमें 990 वैकेंसीज है IMD में, तो मतलब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पहले फोकस अपना क्या है, BEL और HPCL है, और बाद में फिर हम आगे जाएंगे डेफिनेटली, राइट। ओके, तो अभी हम आते हैं BEL पे। सी, मेन क्या है अभी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है न्यू स्टूडेंट्स के लिए खासकर, आपको फेज़ वन एंड फेज़ टू बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, मेक श्योर करना है कि फेज़ वन एंड फेज़ टू आपका कंप्लीट हो, ठीक है। बाद में अगर सपोज टाइम की कमी की वजह से अगर फेज़ टू के कुछ सब्जेक्ट और कुछ टॉपिक रह जाते हैं प्लस फेज़ थ्री रह जाता है, तो आप वो अपने सक्सेस पैक से, मॉक टेस्ट से कवर कर सकते हो और SPD से कवर कर सकते हो, ठीक है। सक्सेस पैक आपका आ गया है और उसमें मॉक टेस्ट वन जो है ऑलरेडी लाइव हो चुका है, मॉक टेस्ट टू जो है सैटरडे आएगा, एक प्रॉपर प्रोसेस है उसको यूज़ करने का, वो सभी चीज़ें सक्सेस पैक में मैंने बताया है आपको, ठीक है। अगर आप सीरियस हो और अगर आपका एज लिमिट एटलीस्ट 24, 25, 26, 27 है और BEL जो एग्ज़ाम आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूँगा आपको सक्सेस पैक लेने के लिए, अगर आप सीरियस हो तो, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो मेन क्या है कि फेज़ वन फेज़ टू का रिविजन होगा, उसके बाद आप साइड बाई साइड प्रिपेयर करो, टाइम कम है मुझे पता है, लेकिन फिर भी हो सकता है स्मार्टली, इधर अपने को स्मार्ट वर्क करना है और वो कैसे करना है सभी गाइडलाइंस मैंने ऑलरेडी दी है, ठीक है, सक्सेस पैक में। तो मेन क्या है, थर्ड अपना जो फेज़ है उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट हम लेने वाले थ्योरी ऑफ कंपटीशन, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है, एटलीस्ट आप बेसिक भी करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप जो क्वेश्चन है अपने सक्सेस पैक मॉक टेस्ट से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो बेस रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो सेम है, दैट इज योर गेट वन मार्क क्वेश्चन, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद सक्सेस पैक मॉक टेस्ट और SPT वगैरह जो भी रहेगा वो आपको उधर पता चल जाएगा, राइट, ज़्यादा मैं इधर रिवील नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट जो है मिससेलेनियस, तो अभी क्या है आपका जो सिलेबस है BEL का, ठीक है, पूरा इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस का, उसमें कुछ भी आ सकता है। अभी मिससेलेनियस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं HTML से बेसिक क्वेश्चन, XML से बेसिक क्वेश्चन, ओके, एक कोई लैंग्वेज पूछ लिया जैसे कि C++ हो गया, पाइथन हो गया, पूछ सकते हैं वो, उसके ऊपर है, ओके, जावा तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है फेज़ वन में ही, मैंने आपको बताया था सी प्रोग्रामिंग के साथ साथ जावा और उप कॉन्सेप्ट करना है आपको, राइट। देन नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको करना है। एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बेस है डेटाबेस और इसका, ठीक है, एल्गोरिथम का, तो यस, थोड़ी बहुत चीज़ें सिमिलरिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन बाकी बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस में हम पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि फेज़ वन और फेज़ टू का जो वेटेज है वो मैक्सिमम है, ठीक है, और फिर फेज़ थ्री आएगा और जो भी अपना बचेगा वो आप कवर करोगे अपने क्वेश्चन बैंक से जो आपको सक्सेस बैंक में मिलने वाला है, राइट। तो ये आपका स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, लास्ट अपॉर्चुनिटी कंप्यूटर साइंस के लिए पकड़ो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है और आती है तो मतलब अच्छी आती है, और BEL का जो जॉब है एटलीस्ट 2023 में आपके हाथ में ये ऑफर लेटर होना चाहिए, बाकी जो भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो साइड बाय साइड में रखो, ऑब्वियसली ये प्रिपरेशन आपको बाद में हेल्प करता ही है, उसमें बड़ी बात नहीं है, राइट। तो और कुछ भी क्वेरी आपका, कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, फ्री मास्टर बैंड टेस्ट टेलीग्राम PDF, ओके, नॉन टेक्निकल सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस बनाए रखना है, उसको ये नहीं करना है, और सक्सेस पैक अगेन आ गया है, जो भी सीनियर स्टूडेंट है वो ले सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में सक्सेस पैक का वीडियो भी मिलेगा आपको और कंप्यूटर साइंस का जो लिंक है वो भी मिलेगा, ठीक है, आपका जो सक्सेस पैक है कंप्यूटर साइंस का वही आपको लेना है, बाकी ब्रांच का मत लो, नहीं तो थोड़ा मतलब इशू हो जाता है, ठीक है, एक दिन लगता है फिर से वो चेंज करने का कोर्स तो होता है, ओके। इसके अलावा मुझे लगता है सभी चीज़ें कवर हो गई है, कुछ लगता है आपको मिसिंग है, कुछ होना चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो का, और सभी अपडेट वगैरह मैं आपको देता रहूँगा, तो ज़्यादा टाइम पास मत करो, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 15 डेज जो है अगेन मैं रिपीट करूँगा, ये डिसाइड करेंगे कि आपका BEL का ज्वाइनिंग लेटर आएगा या रिजेक्शन लेटर आएगा, ओके, तो इस पर ध्यान रखो, ऑल द बेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है इलेक्ट्रिकल, टोटल 15 वैकेंसीज के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम फेज़ वन फेज़ टू कंप्लीट कर लिया है, आई होप आपने भी, ठीक है। अगेन सक्सेस पैक में आपको जो भी चीज़ें दी है, फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो लाइव हो चुका है, तो जिनको भी पता नहीं सक्सेस पैक आ गया है कब का, और मॉक टेस्ट वन भी लाइव हो चुका है, ई बुक जो है एज अ अपग्रेडेशन आपको मिला है, जिसका यूज़ जो है बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे से कर रहे हैं रिविजन के लिए, ठीक है, और कैसे करना है वगैरह मैं आगे शेयर भी करता रहूँगा। मेन क्या है अभी कि रिविजन जो है आपका वो चलना चाहिए साइड बाय साइड फेज़ वन एंड फेज़ टू का,
और उसके साथ साथ आपका जो फेस 3 के सब्जेक्ट अभी बताने वाला हूँ मैं, ठीक है, ट्राई करना है। और अगर टाइम की कमी की वजह से नहीं कंप्लीट हो पा रहा, टेंशन की जरूरत नहीं है, जस्ट अपना जो क्विक रिविजन ई बुक है उधर से आपको फॉर्मूलाज और की पॉइंट्स जो है वो देख लेना है, और डेफिनेटली बेल में उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे थेरोटिकल वगैरह, तो उसको आप हैंडल कर सकते हो। प्लस अपना मॉक टेस्ट भी है और सोन अपना SPT शुरू होने वाला है, ठीक है। तो SPT क्या रहेगा, वो सभी चीज़ें मेंटर डॉक फोल्डर में आपके सक्सेस पैक में आपको मिलता जाएगा। सक्सेस पैक ऐसा नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट दे दिया और काम हो गया, ठीक है। मॉक टेस्ट प्लस इंटरव्यू प्लस गाइडेंस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, और जिसका रिजल्ट जो है आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली हर एक PSU में और हर एक सेंटर वर्क में अपना सिलेक्शन हो रहा है, राइट। अभी हम आते हैं फेज 3 के सब्जेक्ट पे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आप लेने वाले हो पावर सिस्टम जो बचा है अपना, ठीक है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फेज 3 में। तो यस, आप वो ट्राई करो, और उसके अंदर जो भी कंटेंट है आप देख सकते हो सामने, ठीक है। तो जस्ट स्क्रीनशॉट नहीं करो, नोट डाउन करो, आपके ऊपर है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बेसिक्स, ठीक है, जस्ट बेसिक इसका करना है, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। सिलेबस ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को कम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो जो सिलेबस आपके सामने है वो आपको उतने टॉपिक मेक श्योर करना है कि आप पढ़ो अच्छे से, ओके, बेसिक बेसिक लेवल पे। नेक्स्ट जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है डिजिटल सर्किट्स, जो अपना पेंडिंग है, तो डिजिटल सर्किट्स भी आपको क्विकली ट्राई करना है, कंप्लीट करो, ईजी है, अगेन मतलब हो सकता है आराम से, ठीक है। नेक्स्ट जो है मिसेलिनियस, ठीक है, अभी मिसेलिनियस में उससे पहले माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर थोड़ा बेसिक आपको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस जो है पूरा आपका इंजीनियरिंग का है, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका होता है वो आपको पढ़ना है बेसिक, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर भी आपको जितना पढ़ना है, मतलब आर्किटेक्चर हो गया, ओके, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन बेसिक्स हो गया, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, जो भी आपने ई बुक में दिया है उतना एटलीस्ट आपने किया तो भी इनफ है, ठीक है, बाकी कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं टेक्निकल में। अभी बेसिकली जो मिसेलियस है जिसके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है, सी फेज 1, ओके, प्लस फेज 2 और फेज 3, ओके, इसका जो अगर वेटेज है, सपोज ये आपका 60% हो गया, ठीक है, फेज 3 का भी मैं 20% पकड़ता हूँ, मतलब 80% आपका हो गया है, ओके। जो रिमेनिंग 20% है वो फेज 3 के कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि मिसेलियस क्वेश्चन आप पकड़ सकते हो, राइट। तो इसमें से जो है अभी इलेक्ट्रिकल मटेरियल है वो आपके क्वेश्चन आपको एक दो पूछ सकता है उसमें से, अर्थिंग एंड वायरिंग है, ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, PLC एंड स्काडा है एक्सेट्रा, इसके आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन हो गया बाद में, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं बीटेक में। तो बेसिकली अभी इसको क्या करना है, जो रिपीटर्स है, ठीक है, तो आपको जो क्विक रिविजन ई बुक दिया है सक्सेस पैक में उधर से ही आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मतलब उधर की पॉइंट और इंपॉर्टेंट थेरी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, उधर से आप कंप्लीट करोगे, दैट्स इट। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है अगेन आपके लिए भी सेम रहेगा, लेकिन मेन क्या है, पावर सिस्टम डिजिटल सर्किट ये कंप्लीट करो पहला, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर आप इधर आ सकते हो, नहीं तो ये स्किप किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला है आपको कि 100% सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन क्या है कि 70% कंप्लीट करो लेकिन वो 100% करो, ठीक है, ये गोल्डन स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है आपको। इसलिए जो भी आपको दिया है सक्सेस पैक में वो इनफ है। मॉक टेस्ट 2 जो है सैटरडे को आएगा, तब तक रेडी रहना है आपको, ठीक है। और मॉक टेस्ट सीरियसली देना है, मतलब एग्जैक्ट आपको बेल का एग्जाम दे रहे हो ऐसे ही आपको मॉक टेस्ट देना है, तब मज़ा आने वाला है आपको एनालिसिस करने में, ठीक है। और बाकी गाइडलाइंस मॉक टेस्ट कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैंने आपके सक्सेस पैक में दी रखी है, तो उसको आपको फॉलो करना है अच्छे से। और कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट रहता है नीचे कमेंट करो, ओके, और कुछ भी आपको लगा मिसिंग है तो नीचे वो भी कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हो अगर नीचे कमेंट करने में शर्म आती है तो, राइट। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप कंपलसरी ज्वाइन करना है, ताकि बेल का जो भी अपडेट आए वो उधर आपको मिलता जाए, और आप फोकस रहो स्टडी पे, ज़्यादा इधर उधर घूमो मत, ओके, नहीं तो यूट्यूब इंस्टाग्राम में ज़िंदगी निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल के लिए भी आई होप कि फेज 1 और फेज 2 फर्स्ट थिंग आपका कंप्लीट हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी हम फेज 3 में आने वाले हैं, मेन चीज़ क्या है, इसका अभी रिवीजन आपको साइड बाय साइड करना है, ठीक है। ऑलरेडी गाइडलाइंस में दी है, जैसे कि गेट 1 मार्क क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, बाद में ESC के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने हैं बेल के लिए, ओके। और जो भी गाइडलाइंस में सक्सेस पैक में आपको दूंगा, सक्सेस पैक आ गया है, तो जो भी सीरियस है मैकेनिकल इंजीनियर वाले, ओके, जिसमें आपको ई बुक दिया है तो ई बुक से ही आपको रिवाइज करना है, तो सभी चीज़ें सक्सेस पैक में है, ठीक है। बाकी चीज़ें मतलब जो भी आपको रहेगा वो आपको दी जाएगी, राइट। मेन अभी क्या है कि फेज 3 जिको के जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या है तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट है आपका कास्टिंग फॉर्मिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेसेस, ठीक है, बाद में मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशंस, ये सेकेंड सब्जेक्ट आपको लेना है फेज 3 में। बाद में मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑपरेशनल रिसर्च और मिसेलिनियस में रोबोटिक्स एंड मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं, इसलिए इसका भी थोड़ा बेसिक अभी पढ़ना है। अभी डेफिनेटली अगर पॉसिबल नहीं है इतना पढ़ना, तो जस्ट आपको जो क्विक रिविजन ई बुक दिया है मैकेनिकल का सिविल अपना सक्सेस पैक में, उधर से आपको ट्राई करना है कि आपके जो भी की पॉइंट्स है, जो भी फॉर्मूलाज है, आप एटलीस्ट देखो, ताकि एग्जाम में अगर बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, जो भी ऑब्वियसली आएगा ही बेल में, ठीक है, वो इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, तो आप आंसर कर पाओ, राइट। और उससे पहले
फेज वन और फेज टू के सब्जेक्ट आपके अच्छे प्रिपेयर होने चाहिए। फेज थ्री के भी आप थोड़े सब्जेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम लिमिटेशन हुआ, जैसे कि मैंने आपको टारगेट दिया है कि 25 तक करना है, 20 to 25, ठीक है, उसके बाद न्यू मतलब मत देखो, प्रॉब्लम होगा। फिर उसके बाद जो अपना फोकस होगा और वो सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे होगा, ठीक है। अभी और एक आपका ये होगा प्रॉब्लम कि मॉक टेस्ट में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैकेनिकल के अभी फिलहाल टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, उस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है एटलीस्ट एक मॉक आपका आएगा, ओके, कंप्लीट मॉक मैं आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल मेन क्या है कि जो नॉन टेक्निकल का मॉक टेस्ट है वो आपके सक्सेस पैक में ऑलरेडी डाला है, तो वो आपको रेफर करना है। और बाकी सभी गाइडलाइंस जो है, जो इम्पोर्टेंट है इन लास्ट 15 डेज 20 डेज के लिए, उसका भी एक वीडियो मैंने डाला है, ठीक है, वो आपको देखना है कंपलसरी। इसके अलावा कुछ भी आपका क्वेरी, कुछ भी डाउट हुआ, नीचे कमेंट करना है। और सक्सेस पैक का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, उसको भी आपको चेक करना है, ठीक है। पूरा फोकस होके इस 75% के लिए प्रिपेयर करो, बाद में 25% का आराम से हैंडल करेंगे। अभी इंटरव्यू के लिए टेंशन की जरूरत नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन, तो अभी उसका फोकस नहीं है, ठीक है। मेन अगर आपका इधर एक भी गलती हुआ ना तो इंटरव्यू भूल जाओ, राइट। मेन फर्स्ट इसको टारगेट करो और फिर इंटरव्यू पे आते हैं, और टेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे कि इतने सारे सिलेक्शन आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली, तो बेल में सिलेक्शन भी बहुत सारे अपने होने वाले हैं, ये मैं अभी से दावा कर सकता हूँ, ठीक है। जस्ट मेन क्या है कि सीरियसली आप प्रिपेयर करो, और जो सीरियस है वही सक्सेस पैक ज्वाइन करो। बाकी टाइम पास के लिए दे रहे हो बेल, जस्ट ऐसे ही दे रहे हो, तो बिल्कुल सक्सेस पैक ज्वाइन मत करो, वो आपके काम की चीज़ नहीं है, राइट। क्योंकि मेरा टारगेट सेल्स नहीं है, सिलेक्शन है। ऑल द बेस्ट, ओके। सो नेक्स्ट ब्रांच जो है वो सिविल है, और सिविल के लिए भी सक्सेस पैक जो है उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सक्सेस पैक आ गया है, उसमें जो क्विक रिवीजन ई बुक आपको दी है वो आपको रेफर अभी करना है, ताकि आप फेज़ वन और फेज़ टू का जो रिवीजन है वो अच्छे से कर पाओ, साइड बाय साइड फेज थ्री का कंप्लीशन भी चलता रहेगा, राइट। और बाकी गाइडलाइंस मैं देता रहूँगा सक्सेस पैक में, पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करना है वगैरह, सभी चीज़ें उसमें आएगी, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो मेन है, तो मेन साइड बाय साइड आपका रिविजन चलेगा प्लस कंप्लीशन चलेगा, ये एक पॉइंट है, राइट। जो बाकी गाइडलाइंस होगी, जैसे गेट वन मार्क क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है और ईएससी के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, तो वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, राइट। अभी जो सक्सेस पैक में आपका मॉक टेस्ट वन भी आ गया है, ठीक है, नॉन टेक्निकल का, तो वो आपको देना है। और इसके अलावा टेक्निकल के लिए और क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो मैं आपको बताऊँगा इसको, ठीक है। सब्जेक्ट क्या क्या लेने हैं अभी फेज 3 में, तो वो देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग फर्स्ट आपका होगा, सेकेंड जो होगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आपको चीज़ें पढ़नी है वो इधर दी है, वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है, बाद में आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, इरिगेशन, जियोमेटिक्स, इंजीनियरिंग, तो ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे फेज 3 के। तो सिविल का सिलेबस पता है मुझे बहुत वास्ट है, लेकिन आपको सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास क्विक रिविजन ई बुक है, जिसमें से आप की पॉइंट और फॉर्मूला अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सक्सेस पैक में दिया गया है, तो उसका यूज़ करना है। और प्रॉपर यूज़ कैसे करना है, ठीक है, ब्लॉक वाइज टेक्निक क्या है, तो सून उसका वीडियो आपके सक्सेस पैक में आपको मिल जाएगा, ओके। तब तक मेन क्या है, जितना आपसे हो सके कंप्लीशन करो, और जो डेडलाइन है आपका 22-25, तब तक ही आपको न्यू सब्जेक्ट करना है, बाद में फिर प्रिपरेशन छोड़ देना है। प्रिपरेशन छोड़ना मतलब न्यू सब्जेक्ट का प्रिपरेशन छोड़ना है, ठीक है, बाकी रिवीजन तो आपका चलता रहेगा आखिर तक। और बाकी कुछ भी आपका क्वेरी, कुछ भी डाउट होगा, नीचे कमेंट कर सकते हो। फ्री मास्टर प्लान, टेलीग्राम PDF, जो भी गाइडलाइंस नॉन टेक्निकल के लिए ऑलरेडी मैंने बताई है उसको फॉलो करना है, क्योंकि टेक्निकल में हर कोई स्कोर करेगा आराम से, ठीक है, लेकिन जो चैलेंजिंग पार्ट रहेगा और बेल में आपको सिलेक्शन दिलवाएगा वो है नॉन टेक्निकल, तो उस पर भी फोकस बनाओ। 50-50 फोकस, अटेंशन जो है आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों पे होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ओके। सो लास्ट ब्रांच है केमिकल, तो केमिकल में केमिकल टेक्नोलॉजी एक आपका सब्जेक्ट पेंडिंग था, फेज 3 के लिए आपको ये यूज़ करना है। मेन क्या है, अभी जो फेज 1 और फेज 2 में हमने सब्जेक्ट किए हैं उसका आपका रिविजन साइड बाई साइड चलना चाहिए, ठीक है। सक्सेस पैक में मैंने आपको नॉन टेक्निकल के लिए बहुत सारी चीज़ें दी है, तो वो आप रेफर करो, नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करो। और टेक्निकल के लिए ऑलरेडी मैंने बताया वही सेम रहेगा, गेट के 1 मार्क क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, उतना ही इनफ हो जाएगा केमिकल के लिए, ठीक है, एटलीस्ट टेक्निकल पार्ट के लिए, क्योंकि टेक्निकल पार्ट इतना हार्ड नहीं रहेगा। मेन क्या है, नॉन टेक्निकल है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो अच्छे से, ठीक है। और सक्सेस पैक में आपका इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह सभी चीज़ें हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, वो चेक करना है आपको। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें, गाइडलाइंस सभी चीज़ें मैंने दी है ऑलरेडी, वही फॉलो करो, ठीक है। बाकी कुछ आपको अगर एक्स्ट्रा लगा, एक्स्ट्रा चाहिए कुछ, तो नीचे कमेंट कर सकते हो। अपना टेलीग्राम चैनल कंपलसरी ज्वाइन करना है, ताकि हर एक अपडेट जो आपको मिले बेल के रिलेटेड या अदर PSU के रिलेटेड, वो आपको उधर मिलते रहे, ठीक है। टारगेट जो है अगेन सेम है कि 75% में से मैक्सिमम स्कोर इधर ही करना है, और इधर ही अपना सिलेक्शन जो है वो कन्फर्म करना है, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ऑल द बेस्ट।